आप आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HMTV लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल विहारी लाल, लेकर आया हूं ब्रेकिंग खबर। बात करते हैं पहले खबर की, तो पहले खबर निकल के आ रही है, भारत ने बनाया टीका। आम भाषा में कह सकते हैं कि भारत टीका बनाने की ओर अग्रसर है। देश में कोरोना वायरस के लिए कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कल शुरू हो गया है। एक निजी कंपनी जायडस कैंडिला की इस वैक्सीन को अभी एक व्यक्ति के दिया गया है। भारत ने इस कंपनी के अलावा ICMR और एक निजी कंपनी भारत बायोटेक ने मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। 1000 लोगों पर ट्रायल करने के लिए लोगों का चयन हो गया है। बहुत ही इनको क्लिनिकल ट्रायल किया के बाद इनको ह्यूमन ट्रायल के लिए उपयोग किया जाएगा और रिजल्ट आने के बाद बहुत ही जल्द बाज़ार में कोरोना के वैक्सीन की जो दवा आएगी उसको निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर निकल के आ रही है, जहाँ दोस्तों अब देश में टेस्ट का नया किट बना जिसकी कीमत 399 रुपये होगा। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे सस्ता कोरोना टेस्ट का किट IIT दिल्ली के छात्रों ने बनाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने दिया है। आम भाषा में कहें कि इस किट को लॉन्च किया है। टेस्ट की कीमत मात्र 399 रुपये रखा गया है। टेस्ट जल्दी बाजार में उपसुलभ हो इसके लिए IIT दिल्ली ने 10 कंपनी को लाइसेंस दिया है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके और बाजार में जल्द ही टेस्ट उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं अगले खबर की, तो अगले खबर राजस्थान से निकल के आ रही है, जहां पिछले 5 दिनों से राजस्थान की राजनीतिक उठापटक जारी है। ऐसे में सचिन पायलट का कहना है कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं, इससे गहलोत सरकार के लिए संजीवनी के काम कर रहा है। अब दोनों पक्ष अपने अपने रुख में नरमी लिए हुए हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है राजस्थान के गहलोत सरकार को, यानी कि सरकार अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार सुरक्षित है। अब बात करते हैं अगले खबर की, तो अगले खबर अमेरिका से निकल के आ रही है, जहां अमेरिका ने भी ह्यूमन ट्रायल की ओर कदम बढ़ाया। जी हां दोस्तों, कोरोना के देश दुनिया परेशान है, जबकि सर्वाधिक परेशान देशों में अमेरिका भी है। रूस में ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज के बाद अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप टनल ने बताया है कि अमेरिका कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन mRNA-1273 अपने पहले ट्रायल में सफल रही है। बहुत जल्द ही दूसरा ट्रायल शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तो कोरोना अपडेट निकल के आ रही है, जहां देश में अभी तक पिछले 24 घंटों में 32,695 सर्वाधिक केस बढ़े हैं और टोटल केस की संख्या हो गई 9,68,876 और एक्टिव की बात करें तो 3,31,146 एक्टिव है और रिकवरी की बात करें तो 6,12,815 रिकवर हो चुके हैं और अभी तक कोरोना के टेस्ट जो है 1,27,39,490 की टेस्ट हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 608 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टेस्ट के बाद जो कोरोना के पॉजिटिविटी रेट है वो 7.31% है, यानी कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और अभी पिछले 24 घंटों में यानी कि जो है 15 तारीख को 3,26,826 कोरोना का टेस्ट हुआ।